भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के हर छोटे बड़े मंदिरों को खूब सजाया गया है। राजधानी शिमला भी कृष्ण रंग में पूरी तरह रंग चुकी है। शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां भक्त पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रमे हुए नजर आए। भजन कीर्तन की धुन से गंज बाजार गूंज उठा है। गंज बाजार राधा कृष्ण मंदिर पुजारी ने जन्माष्टमी के मुहूर्त की विस्तृत जानकारी साझा कर कृष्ण जन्माष्टमी की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोरी। इस बार की जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो बहुत ही शुभ और पुण्यदायक है। जन्माष्टमी का जो व्रत है इस बार हम श्री राधा कृष्ण मंदिर में कल 6 सितंबर बुधवार के दिन मनाया गया। आज यहाँ पे नंदोत्सव है और इस जन्माष्टमी का जो शुभ पर्व है इसमें ये विशेषता है इसकी कि कल जो दिन था वो उसमें रोहिणी नक्षत्र भी था और अष्टमी तिथि भी थी, मध्यरात्रि तक बुधवार भी था और साथ में वृषभ राशि का चंद्रमा भी था। इन सब का जो संयोग होता है बहुत ही पुण्यदायक होता है। आज जो रोहिणी नक्षत्र है वो 10:25 पर समाप्त हो चुका है। साथ ही अष्टमी तिथि शाम को 4:15 के बाद समाप्त हो जाएगी। तो कल जो योग था वो बहुत पुण्य योग था। इस मात्र गृहस्थी लोगों ने कल व्रत लिया, आज वैष्णव लोग इस व्रत को ले रहे हैं। आज भी बहुत पुण्यदायक दिन है। आज श्री मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के जन्माष्टमी के उपलक्ष में भजन कीर्तन चल रहे हैं जो मध्य रात्रि 9 बजे तक चलेंगे और ये उत्सव बड़े धूमधाम से श्री मंदिर में मनाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शिमला वासियों को भी, प्रदेश वासियों को भी और देश वासियों को भी इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कल जो योग था उस योग को जयंती नामक योग बोलते हैं। उस जयंती योग में जो भी व्रत लेते हैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज वैष्णव लोग संत लोगों के लिए है, आज भी दिन अच्छा है। जिन्होंने व्रत नहीं ले रखा वो आज भी ले सकते हैं। वृंदावन में जन्मोत्सव मनाया जाता है और गृहस्थी लोग जन्माष्टमी का व्रत लेते हैं। तो आज के दिन जो पर्व है ये बहुत ही उत्तम और शुभदायक है। इस दिन भगवान के बाल रूप की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इसमें भगवान को माखन मिश्री मोर पंख लड्डू और भगवान को पीले वस्त्र चढ़ा करके भगवान की षोडशोपचार पूजा करके ही इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान के जो मंत्र हैं अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण नमो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम इन मंत्रों का जाप करते हुए सब अपने इस भगवान राधा कृष्ण के गुणों का गान करें तो निश्चित ही हर एक के जीवन में जो परेशानी है वो दूर होगी। और सभी को एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल के 16 इस साल जरा जो नुकसान हुआ उसके कारण
मन में पीड़ा है लोगों में, तो हम आगे से ये ना परिपत्ति शिमला शहर में ना आए, उसका भी हमने हवन भी किया था और पक्तिया के प्रभु के हमने शांति पूर्वक सब कुछ सेटल हो जाए महाराज, सारा समाज हमारा उन्नति करे।